फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे ऐसा हाल है कि मैं कोई ब्लॉग या कोई वीडियो शूट कर नहीं पाती, अगर भगवान जी ने बचाया ना होता। दो दिन से मेरे साथ क्या हो रहा है भगवान जाने। दो दिन से कैसे समझोगे आप लोगों को। एक दिन तो राइस बिठाया और राइस का जो उबलता हुआ पानी है मुझ पर गिरते गिरते बची हुए एकदम, और थोड़ा सा भी 2-3 सेकंड का इधर उधर हो जाता तो पूरा जल जाती है। वो कल सुबह की बात है। और आज 2-3 दिन से स्मेल आ रहा था। एक्चुअली 2-3 दिनों से नहीं, फरवरी 7th को मैंने एक सिलेंडर चेंज किया गैस ओवन का। इसके बाद से इतना गैस का बदबू आ रहा है कि पूछिए मत। तो हम लोग सोचे कि सिलेंडर लीक है, इसीलिए पहले हमने सोचा कि वाल्व खराब हो गया है, इसीलिए वाल्व खरीद के लगा दें। इससे भी नहीं गया, कुछ नहीं हुआ। लोग खाना वाना पकाना एकदम से बहुत तकलीफ हो रहा था खाना वाना पकाने में। लोग बुलाया, वो आके भी कुछ ढूंढ नहीं पाया। सिलेंडर चेंज करने का बात हो रहा था कि सिलेंडर भी चेंज कर देंगे वो लोग। ऐसे करते करते 7 दिन हो गया। 14 तारीख को सिलेंडर ख़त्म हो गया। जहाँ मेरा सिलेंडर 1 महीना चलता है वहाँ 7 दिन में ख़त्म। सिलेंडर नया बल्ब लगाया मेरा हस्बैंड ने। वो लोग जैसे जैसे बोलते गए मेरा हस्बैंड करते गए, नया बल्ब लगाया, सब कुछ किया। नया जो सिलेंडर लगाया 14 तारीख को, उससे भी ना पहले जैसा नहीं, पर थोड़ा बहुत स्मेल आ रहा था। कल भी लगा और आज है 1st मार्च, आज भी लगा। स्मेल क्यों आएगा, सब कुछ चेंज हो गया है फिर से। और आज सुबह देखा कि खाना बिठाया, मैं सोच रही थी कि एक रेसिपी का शूट करूँगी ये सारे बात, तो सब रेडी करते करते राइस बिठा दिया था, चाय बन गया, राइस बिठा दिया। और देखा कि मेरा गैस ख़त्म। आज है 1 तारीख, इसका मतलब 14 तारीख से 1 तारीख 15 दिन भी नहीं गया, क्योंकि फरवरी में 28 तक डेट है, 2 दिन कम है। मैं तो सोचने लगी जहाँ 1 महीना चलता है वहाँ 7 दिन, वहाँ 14 दिन, ऐसे कैसे चल सकता है। तो मेरा हस्बैंड तब काम पे निकलने वाला था, उन्होंने छोड़ो दी, बाहर के लोगों से बेहतर है मैं देखूँ चल क्या रहा है। वो सब कुछ बंद करके, वो बंद मतलब वो नॉब वॉब सिलेंडर का बंद करके वो खुद देखने स्टार्ट किया। तो देखा मेरा जो हॉब और पाइप का जो वो जॉइंट पॉइंट है वो नॉब एकदम ढीला पड़ गया था, और मेरा पाइप का मुंह इधर है वहाँ भी थोड़ा कटा हुआ है। और ये लोग आया, देखा कुछ कहाँ भी नहीं, कैसे देखा पता नहीं, कितना बड़ा एक्सीडेंट होने से बची हूँ, मेरा पूरा फैमिली बचा है। तो इसीलिए ना, अगर आप लोगों को ऐसा कुछ गैस का स्मेल आए, कुछ भी हो, अब लोग वो गैस की कंपनी में फ़ोन करे, वो लोग देख जाए, फिर भी आप लोग खुद चेक कीजिए कि सारे नॉब ठीक है, सारे पाइप्स ठीक है। देखिए मैं इतना डर गई कि पूरा पसीना पसीना हो गया। इसलिए बोल रही हूँ कि खुद आप लोग अपने आँखों से देखिए क्या हो रहा है, वो लोग सही तरह से चेक कर रहे हैं कि नहीं। मैं तो बच गई, मैं चाहूँगी आप लोग भी सही सलामत रहें, इसीलिए मैंने आज ये छोटा सा वीडियो बनाया। वही जगह तो ढीली हो गई गेलो की। तो मेरा हस्बैंड तो सब कुछ फिर से ठीक कर दिया और अब कोई गैस का स्मेल नहीं आ रहा है। मैंने
थोड़ा खाना पका भी ली, अभी तक तो कोई स्मेल नहीं आ रहा है। इसीलिए आज भगवान की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हम कि भगवान जी ने हमें बहुत बड़ा कोई कांड होने से बचा लिया। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे कोई वीडियो लेके। थोड़ा मुझे खुद को शांत करने का ज़रूरत है क्योंकि मैं सच में बहुत डर गई। आप लोग भी स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए और भगवान के पास हमारे लिए थोड़ा दुआ कीजिए कि हम भी स्वस्थ रहें, सेफ रहें। तो टाटा।